मॉर्निंग चिल्ड्रेन टेक आउट बच्चो मेघा ओके टेक आउट बच्चो मेघा लेसन टू मेघा किसी ओके बच्चों हाँ मेघा किसी यहाँ पर बच्चों मेघा किसी लेसन में हाँ हम देखेंगे कि मेघा लोगों ने क्या सीखा ठीक है इस लेसन जब हम कोई लेसन पढ़ते हैं तो हम उसमें देखते हैं बच्चों कि कोई ना कोई लेसन हमें कुछ ना कुछ सीख देता है कोई शिक्षा देता है ओके बच्चों तो हम देखते हैं कि इस लेसन में कि अब हम इस लेसन में पढ़ेंगे फिर देखेंगे कि मेघा को क्या सीख मिली ठीक है एक वन में एक सुंदर झील थी उसमें बहुत सी छोटी बड़ी मछलियाँ मेढक कछुए एवं अन्य जलीय जीव सुखपूर्वक रहते थे कह रहे हैं कि इस लेसन में कह रहे हैं कि एक वन है उसमें एक सुंदर झील थी उसमें बहुत सी छोटी बड़ी मछलियाँ मेढक कछुए ये सब झील के अंदर रहते थे बच्चों है ना एवं अन्य जलीय जीव और भी जो जल के अंदर जलीय जीव रहते हैं जीव मतलब जो जल के प्राणी होते हैं ना सुखपूर्वक अच्छे से उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी रहते थे झील के किनारे छायादार पेड़ लगे थे यहाँ देखिए बच्चों झील बनी है और झील में किनारे ये पेड़ भी लगा है ठीक है हाँ झील के किनारे क्या लगे थे छायादार पेड़ हाँ जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं जो छाया देते हैं ठीक है उन पेड़ों पर दूर दूर से पक्षी आकर बसते थे और झील में पानी पीते तथा क्रीड़ा करते थे क्रीड़ा मतलब बच्चों खेल करना खेलते थे उसमें खेलना ठीक है पानी पीते थे नहाते थे धोते थे और खेलते थे ठीक है लंबे समय से वर्षा ना होने के कारण धीरे धीरे झील का पानी कम हो गया और लंबे समय से बहुत लंबे समय मतलब काफ़ी दिनों से वर्षा नहीं हुई बच्चों तो झील का पानी क्या हो गया कम हो गया झील का पानी धीरे धीरे कम होता गया ठीक है हाँ गर्मी के दिनों में झील का पानी जल्दी गर्म हो जाता था और जब पानी कम हुआ तो झील का पानी जब कम हो गया तब क्या हुआ बच्चों कि वो पानी जल्दी गर्म थोड़ा पानी बचा ना तो वो जल्दी गर्म होने लगा ठीक है हाँ अब झील में पक्षियों के लिए नहाना और पानी पीना कठिन हो गया कठिन मतलब मुश्किल ठीक है और अब जब पानी गर्म हो जाता था कम हो गया तो पक्षियों के लिए नहाना खेलना है ना ये सब काम करना जो पहले वो करते थे एंजॉय करते थे पानी में है ना वो सब उनका बंद हो गया ठीक है मुश्किल हो गया झील के किनारे पेड़ों पर रहने वाले पक्षी उसे छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए और जब झील में ऐसी प्रॉब्लम आई बच्चों पानी गर्म होने लगा कम होने लगा तो जो झील के अंदर जो जलीय जीव थे वो सब उसको छोड़कर दूसरे स्थान मतलब दूसरी जगह में चले गए दूसरी झील के पास चले गए या दूसरे स्थान में चले गए ठीक है कुछ समय बाद झील के मेंढक और कछुए आदि भी झील छोड़कर जाने लगे और कुछ समय के बाद जो था झील के जो झील में जो मेंढक रहते थे और कछुए रहते थे है ना वो सब भी झील छोड़ कर के जाने लगे इनमें से एक बूढ़ा मेंढक ने सभी से कहा ये झील हम सभी की मातृभूमि है और जब देखा कि झील छोड़कर कछुए और मेंढक और सब मछलियाँ तो जा नहीं सकती हैं बच्चों क्योंकि मछलियाँ तो मर जाएंगी इसलिए जो झील के कछुए और मेंढक थे वो सब जाने लगे तो बूढ़ा मेंढक एक था उसने ओल्ड फ्रॉग ठीक है हाँ उसने कहा कि ये झील हम सभी की मातृभूमि है मातृभूमि बच्चों मातृभूमि मतलब जो जिसमें हम पैदा होते हैं हाँ सभी की मातृभूमि है मातृभूमि बच्चों जिसमें हम पैदा होते हैं बड़े होते हैं जैसे इंडिया में हम पैदा हुए भारत में तो हमारी ये मातृभूमि है भारतवर्ष हमारी मातृभूमि है इन इसी तरीके से जो उस झील में रह रहे थे बाय बर्थ के समय से है ना तो ये उनकी मातृभूमि थी मेंढक कछुए जो उसमें शुरू से रहते चले आ रहे थे ना इन इसमें हम सभी ने जन्म लिया है पले बड़े हैं खेले कूदे और इसने ही हमें आश्रय दिया आश्रय मतलब बच्चों पना है ना हाँ हमें जगह दिया हमें शरण दिया ठीक है आश्रय ठीक है तो बूढ़े मेंढक ने सभी से कहा कि ये हमारी मातृभूमि है इसमें हमने जन्म लिया है पले बड़े हैं और हमने इसमें आश्रय दिया है झील में आज झील में पानी कम होने के कारण इसका
उसका त्याग करना उचित नहीं। त्याग करना बच्चों छोड़ देना, ठीक है। हाँ, तो कह बूढ़ा मेंढक कह रहा कि अगर आज झील में पानी कम हो गया है तो हमें इसका त्याग करना, इसको छोड़ना उचित नहीं है। उचित मतलब ठीक नहीं है, ठीक है। आओ हम मिलकर प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी भारी वर्षा हो और झील भर जाए। हाँ, अब वो उपाय बता रहा है, अब वो बूढ़ा मेंढक क्या बता रहा है बच्चों कि हमें ये झील को छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उसके लिए एक उपाय है, वो उपाय है प्रार्थना करना, ठीक है। जब हम भी कभी मुश्किल में होते हैं बच्चों और हमें कोई समस्या का समाधान नहीं नज़र आता, तो हम भी क्या करते हैं, प्रभु की हुजूरी में जाते हैं, गॉड से हम लोग प्रार्थना करते हैं, है ना। तो हमारी समस्याएं क्या होती हैं, सॉल्व हो जाती हैं। तो इसी तरीके से बूढ़े मेंढक ने भी उन लोगों को प्रार्थना करने का उपाय बताया कि जल्दी से जल्दी भारी वर्षा हो और झील भर जाए। उस बूढ़े मेंढक की बात किसी ने नहीं सुनी और वे सभी झील छोड़कर चले गए। और उस बूढ़े मेंढक की बात किसी ने नहीं सुनी, किसी ने भी प्रार्थना करना अच्छा नहीं समझा और सब लोग उसके उस उपाय को ठुकरा के हाँ कहाँ चले गए, दूसरी झील में चले गए। बूढ़ा मेंढक और मछलियाँ झील में ही रह गए। बूढ़े मेंढक ने मछलियों के साथ प्रार्थना की जिसे ईश्वर ने सुन लिया। और बूढ़ा मेंढक और मछलियाँ थी बच्चों, मछलियाँ तो जा नहीं सकती हैं तो इसलिए मछलियाँ थी और बूढ़ा मेंढक था ओल्ड फ्रॉग, है ना। तो उन लोगों ने मिल के प्रार्थना की और ईश्वर ने उनकी प्रार्थना को, भगवान ने उनकी प्रार्थना को सुन लिया, ठीक है। अगले दिन भारी वर्षा हुई और झील पानी से भर गई। झील को पानी से भरा हुआ देखकर वहाँ से गए सभी पक्षी, मेंढक, कछुए आदि वापस आ गए। अब दूसरे दिन जब प्रार्थना हुई बच्चों, तो दूसरे दिन पानी बहुत भर गया, वर्षा हुई और झील पूरी पानी से भर गई, ठीक है। झील को पानी से भरा हुआ देखकर वहाँ से गए पक्षी, मेंढक, कछुए सब उसमें वापस आ गए। और बच्चों जो लोग उस झील को छोड़ के गए थे, बूढ़ा मेंढक और मछलियाँ तो झील में थे, उन्होंने प्रार्थना की और पानी वर्षा हुई और पानी झील से भर गई फिर से, है ना। और लेकिन जो लोग चले गए थे, पक्षी, मेंढक, कछुए, वो सब उसमें फिर से वापस आ गए। बूढ़े मेंढक ने सबको स्वार्थी बताया और कहा हमें कष्ट होने पर भी अपनी मातृभूमि का त्याग नहीं करना चाहिए। और बूढ़े मेंढक ने सबको क्या बताया, स्वार्थी। स्वार्थी मतलब सेल्फिश, जो अपना सिर्फ अपने बारे में सोचे, है ना बच्चों। तो हमें ये व्यवहार अच्छा नहीं होता, ये नेचर अच्छा नहीं होता है, ठीक है। स्वार्थी नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से बूढ़े मेंढक ने सबको स्वार्थी बताया और कष्ट होने पर भी उसने क्या सिखाया कि हमें अपनी मातृभूमि का त्याग नहीं करना चाहिए, है ना। हाँ, उसने ये पर सबको बताया कि चाहे जितनी भी परेशानी आए, चाहे जो भी हो, हमें अपनी मातृभूमि को छोड़ना नहीं चाहिए। ये बात बूढ़े मेंढक की बात सुनकर सभी लज्जित हुए। लज्जित मतलब बच्चों शर्मिंदा, ठीक है, शर्म आना, ठीक है। हाँ, जब बूढ़े मेंढक की ये बात उन लोगों ने सुनी तो उनको शर्म आई। उन्होंने आगे से झील ना छोड़ने का निसंकल्प किया। संकल्प बच्चों इरादा करना, पक्का इरादा करना, ठीक है। हाँ, अब उन्होंने सबने निश्चय किया कि अब चाहे जितनी भी परेशानी आए, हम झील को छोड़कर नहीं जाएंगे। तो इस तरह बच्चों हमने मेंढक की सीख लेसन से सीखा कि हमें अपनी मातृभूमि से प्यार करना चाहिए। जितना भी कष्ट, परेशानी, परीक्षाएं आए तो हमें उसमें स्थिर रहना चाहिए और हमें उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ज़रूर गॉड या भगवान हमारी इस परेशानी को दूर करके दूसरा रास्ता निकालते हैं और हमें अपनी मातृभूमि से हमेशा प्यार करना चाहिए। ओके बच्चों, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।